हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पंजीरी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, खा सकते हैं और बहुत पूजा में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सारी सामग्री हमें इकट्ठा कर ली है। ये आटा ली है, 2 कटोरी आटा ली हूँ। अखरोट, जो कि दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दिमाग तेज होता है, इसे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं। मखाना, गुड़, जितना आटा लेंगे उसका आधा गुड़ लेंगे। इसी कटोरी से हमने 2 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी गुड़ लिए हैं। तरबूज की बीज, 4 से 5 हरी इलायची को हमने दरदरा कूट लिया है फ्लेवर के लिए। बड़ा बादाम, काजू और किशमिश। और ये कटोरी में घी लिए हैं, शुद्ध गाय का देसी घी है, अपना घर का बनाया हुआ घी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पंजीरी की रेसिपी। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है। उसमें घी डालेंगे 1/2 स्पून, ज़्यादा घी नहीं डालना है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें भूनना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल करके भून लेंगे। अखरोट, ये दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदा करता है, सभी बच्चे को बड़े को सभी को दीजिए बना करके। तो अच्छे से रोस्ट कर लेंगे भूनते हुए। अखरोट भुना चुका है, अच्छे से भून चुका है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। सारे अखरोट को भून के हमने निकाल लिया है, इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। किशमिश भी देखिए भून के निकाल लिए हैं और सारा ड्राई फ्रूट्स को भी एक ही प्लेट में हम भून के निकाल लिए हैं, क्योंकि सारा का पाउडर बनाएंगे। तो हल्का दरदरा मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है, मोटा मतलब आप इसी तरह गोटा भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, पीस के डालने से ठीक रहता है। कढ़ाई में घी डालेंगे, 2 टेबल स्पून घी डाल के, 4 स्पून डालिएगा टेबल स्पून से, और घी डाल करके इसमें आटा को डाल देंगे, आटा जो लिए थे हम लोग। और मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको अच्छे से भूनना है, जब तक कि आटा का कलर चेंज ना हो जाए। बीच बीच में घी अगर कम पड़े तो घी डालते जाना है और भूनना है अच्छे से, जैसे बेसन का लड्डू तैयार करते हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस को रखते हुए इसको भूनना है पूरा। आटा भून के तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छे से भुनाया है। आटा का कलर देखिए, ये हमारा आटा था वाइट और देखिए कैसे कलर चेंज हुआ है, मतलब परफेक्ट ये भून करके तैयार हो चुका है पंजीरी बनने के लिए। बिल्कुल अच्छे से भुना चुका है, गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और आटे को ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है, चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। आटा ठंडा हो रहा है, देखिए तब तक सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग दरदरा पीस लेंगे। आधा आधा गार्निशिंग के लिए रख लेंगे, बाकी सारे को उसमें डाल के उसका दरदरा पाउडर बना लेते हैं। आप चाहे तो गोटा भी पीस मतलब डाल सकते हैं इसमें, सभी को डाल देते हैं और जा के दरदरा पीस लेते हैं। सभी को हमने पीस लिया है, देखिए पाउडर जैसा बना दिए हैं। आटा भी ठंडा हो रहा है, सबको मिक्स करेंगे। सभी अच्छे से ठंडा हो चुका है आटा, देखिए दूसरे बर्तन में हमने इसको निकाल लिया है।
अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। पाउडर जो हम लोगों ने बना के रखा था साड़ी को इसमें डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने पाउडर बना लिया है मिक्सी में डाल के। आप इसे और ज़्यादा मोटा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और नहीं अगर ऐसे गोटा भी डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं पसंद नहीं करते हैं खाना। इस तरह से बनाने से बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे। गुड़ एक कटोरी जो हमने रखा था, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ के जगह पे अगर आप मिश्री या चीनी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, मिश्री हो चीनी हो तो डाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा सेहतमंद होता है इसीलिए गुड़ डाल के बनाइए। किशमिश जो हमने भून के रखा था आधा डाल देंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इलायची फ्लेवर के लिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। स्पून के बजाय हाथ से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा सभी को। गुड़ को भी जो भी थोड़ा भी मतलब गुड़ को तो हमने पाउडर जैसा बना दिया था फूट के, फिर भी जो भी थोड़ा सा होगा उसको ऐसे हाथ से मिलाते हुए अच्छे से सभी मिक्स हो जाएगा। सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अच्छे से हमने हाथ से मिक्स कर दिया है। देखिए इसका आप लड्डू बनाना चाहेंगे तो लड्डू भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन मैं पंजीरी बना रही हूँ इसीलिए लड्डू नहीं बनाऊँगी। इसका लड्डू भी बहुत ही आराम से बन जाएगा। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसको भी ये लड्डू बना करके दीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें हल्का सा गोंद भी भून करके डाल सकते हैं और उसको दीजिए, बहुत ही फायदा करता है। इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी है, बच्चों क्या बड़ों क्या सभी के लिए बहुत ही हेल्दीमंद है। देखिए सारे बर्तन में मैंने निकाल लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स था थोड़ा सा भून के रख लिए थे, जो भुना हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा बचा के रख लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। आप अपने हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स पंजीरी बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल कितना सुंदर बना है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बिहार में हम लोगों का इसी तरह से बनाया जाता है। मैं तो ये जन्माष्टमी स्पेशल में बनाई हूँ कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह की अच्छे अच्छे रेसिपी न्यू रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए बनाइए और जन्माष्टमी का आप लोग भी आनंद लीजिए। इस तरह से भगवान का पूजा कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और पूजा करके आप लोग भी घर में रहिए, सेफ से रहिए, अच्छे से रहिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली जितने भी हैं जो भी हैं। हमारे फेसबुक पेज को रानी किचन को फॉलो कीजिएगा, रानी किचन के नाम से है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।